Hope you all doing well. I once again welcome you all to our YouTube channel. Today I'm going to take first language Hindi for the students of class 10th. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले लेसन की ओर. सुंदर भारत जो कि एक कविता है और इसे लिखा है श्रीधर पाठक जी ने. तो चलिए उन्मुखीकरण की ओर जाते हैं. तो उन्मुखीकरण का क्या अर्थ होता है? उन्मुखीकरण यानी ओरिएंटेशन, एक दिशा दिखाना. तो चलिए यहाँ पे उन्मुखीकरण में एक कविता दी गई है, तो आगे बढ़ते हैं इस कविता की ओर. यह है भारत देश हमारा, इसके पर्वत नदियां नाले, हरे भरे ये खेत निराले, सबको हर्षित करने वाले. तो यहाँ पे जो है इस कविता में हमारे भारत का एक बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है. तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, यह है भारत देश हमारा, इसके पर्वत नदियां नाले. तो पर्वत यानी पहाड़ माउंटेन्स, और नदियां यानी सी, और नाले यानी ड्रेन. तो हरे भरे ये खेत निराले, तो यहाँ के जो खेत है वो हरे भरे से है और निराले है. निराले यानी यूनिक है, अलग है. सबको हर्षित करने वाला, सुंदरता में सबसे न्यारा. तो हर्षित करने वाला यानी सबको खुश करने वाला, मग्न करने वाला, सबको जॉयफुल बनाने वाला. सुंदरता में सबसे न्यारा, न्यारा यानी निराला, सबसे अलग. यह है भारत देश हमारा. सबसे ऊंचा इसे उठाए, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाए. सबसे ऊंचा यानी यहाँ पे हाइट नहीं है, ऊंचा यानी यहाँ पे श्रेष्ठ बनाना है, उत्तम बनाना है. तो हमारे भारत देश को जो है सबसे ऊंचा उठाना है. सब देशों का मुकुट बनाए, मुकुट का अर्थ क्या होता है? मुकुट यानी क्राउन, ताज. तो भारत देश को जो है हम सबसे ऊंचा इसे उठाए और सब देशों का ताज या मुकुट बनाए. इसकी सेवा में जुट जाएं, वारे इस पर जीवन सारा. तो इसकी सेवा में जुट जाना, तो सेवा में जुट जाना यानी सब लोग गैदर होना, मिलना, जुटना और जुड़ जाना. वारे इस पर जीवन सारा, वारना यानी न्योछावर करना, त्याग करना अपना जीवन सारा. यह है भारत देश हमारा. तो यह था हमारा उन्मुखीकरण. तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर. तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, भारत देश में खेत कैसे हैं? तो भारत देश में खेत जो है, यहाँ पे कविता में आप देख सकते हैं, हरे भरे ये खेत निराले. तो भारत देश के खेत कैसे हैं? हरे भरे हैं, जो सबको खुशी और आनंद देते हैं. अगला प्रश्न, देश की शान बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देश की शान बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमें अपने कार्यों में जो है देश की शान बढ़ानी चाहिए. तो हम जो कर्म कर रहे हैं उससे ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमारे देश की शान बढ़े, और तन मन से इसकी सेवा करनी चाहिए, और इसे सब देशों का मुकुट, यहाँ पे जैसे कविता में कहा गया है, सब देशों का जो है मुकुट बनाना चाहिए, ताज बनाना चाहिए. तो ऐसा कार्य करें हम जिससे भारत देश जो है सभी देशों का मुकुट बन जाए, और ये बनने करने की हमें कोशिश करनी चाहिए. इस पर अपना जीवन जो है न्योछावर या त्याग करना चाहिए. तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. इस कविता का संदेश क्या है? तो ये जो उन्मुखीकरण में दी गई कविता है, इसका क्या संदेश है? हमारा देश जो है सबसे सुंदर और प्यारा है. हमें विश्व में जो है अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहिए. इसकी शान बढ़ाने के लिए प्राणों का त्याग या न्योछावर, प्राणों को जो है हमारे न्योछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए. तो इस कविता का यह संदेश है. तो इस प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की सुंदरता के बारे में वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन या चित्रण या फिर लिखित बयान को कहते हैं वर्णन, करते हुए कहा है कि यह भारत देश हमारा है, इसके पर्वत यानी माउंटेन्स या पहाड़, नदियां यानी सी, नाले यानी ड्रेन, हरे भरे खेत यानी ग्रीनरी,
वाले जो है खेत बहुत ही निराले हैं, यानी यूनिक है, अलग से, जो सबको खुशी और आनंद देते हैं, आनंद यानी उल्लास से भर देते हैं या हर्षित कर देते हैं। सुंदरता में हमारा देश बहुत ही न्यारा है, यानी बहुत ही यूनिक है, अलग है। हर भारतीय का कर्तव्य, कर्तव्य यानी ड्यूटी या उचित कर्म या फर्ज, यह बनता है कि इसे मिलकर ऊंचा उठाए, यानी श्रेष्ठ बनाए, सर्वश्रेष्ठ बनाए, उत्तम बनाए और सब देशों का मुकुट यानी ताज बनाए। हम सबको इसकी सेवा में जुट जाना चाहिए या लग जाना चाहिए और अपना सारा जीवन अपने देश को अर्पित, अर्पित करना यानी न्योछावर करना, त्यागना, अपने जीवन को जो है देश को अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश किसका है? हमारा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विधा विशेष की ओर। तो प्रस्तुत पाठ जो है एक गेय कविता है, गेय यानी गाया जाने योग्य कविता है। कविता जो है साहित्य, साहित्य यानी लिटरेचर की सशक्त, सशक्त यानी स्ट्रॉन्ग, बलशाली या जिसमें पोटेंशियल हो, विधा है। विधा यानी रीति है, ढंग है या तरीका है। यह कविता सौंदर्यानुभूति भाव यानी सौंदर्य यानी सुंदरता, अनुभूति भाव यानी एक्सपीरियंस, तो सुंदरता का एक्सपीरियंस, तथा सौंदर्य यानी सुंदरता की ध्वनि, ध्वनि यानी आवाज, साउंड या शब्द का उदाहरण है, उदाहरण यानी एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा विधा विशेष। तो आगे बढ़ते हैं उद्देश्य की ओर। तो उद्देश्य का क्या अर्थ होता है? ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य। तो इस कविता का क्या उद्देश्य है? गीत एक सशक्त, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, सशक्त का अर्थ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, बलशाली या जिसमें पोटेंशियल हो। विधा है यानी एक रीति है, ढंग है, तरीका है। विद्यार्थियों के हृदय में रमणीय वस्तुओं, यानी विद्यार्थी यानी छात्र, जो शिष्य है, स्टूडेंट्स है, उनके हृदय में यानी दिल में रमणीय वस्तुओं, रमणीय यानी सुंदर, मनोहर वस्तुओं यानी कोई चीज के प्रति रुचि उत्पन्न करना, रुचि यानी किसी चीज की इच्छा या प्रेम या इंटरेस्ट उत्पन्न करना यानी पैदा करना, और उन्हें कविता, गीत आदि की रचना करने की प्रेरणा देते हुए देशभक्ति की भावना को जागृत करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है, यानी मुख्य सर्वप्रथम उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कवि परिचय की ओर। तो इस प्रस्तुत कविता सुंदर भारत के कवि श्रीधर पाठक जी का जन्म 11 जनवरी 1859 को उत्तर प्रदेश के जौंधरी नामक, तो उत्तर प्रदेश में एक जौंधरी नामक गांव है, उसमें हुआ। इनकी शिक्षा संस्कृत और फारसी में हुई। सरकारी सेवा करने के पश्चात वे प्रयाग में आकर रहने लगे। तो सरकारी सेवा यानी गवर्नमेंट सर्विस करने के पश्चात, यानी उसके बाद वे प्रयाग में आकर रहने लगे। इन्होंने ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली में कविताएं लिखी। तो यहाँ पे ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा यानी ब्रज क्षेत्र की भाषा या हिंदी की एक बोली, तथा खड़ी बोली, खड़ी बोली यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश और उससे सटे हरियाणा के जिलों की वह बोली जिससे आधुनिक हिंदी का विकास हुआ, यानी एंशियंट फॉर्म ऑफ हिंदी लैंग्वेज। उनकी प्रमुख रचना यानी जो सर्वप्रथम रचनाएं हैं वे हैं मनोविनोद, कश्मीर सुषमा, गोपिका गीत एवं भारत गीत जो है इनके प्रमुख या मुख्य रचनाएं हैं। आपने खड़ी बोली यानी इन्होंने जो है खड़ी बोली में काव्य रचना, काव्य रचना यानी पोएट्री का पद्य और गद्य, पद्य व गद्य यानी, पद्य यानी वर्स और गद्य यानी प्रोज। तो इन्होंने जो है खड़ी बोली में काव्य रचना का पद्य व गद्य में एकता, एकता यानी मिलकर एक होना या संगठन करना, उसको कहते हैं एकता स्थापित
करने का जो है इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने कोशिश, इन्होंने अंग्रेजी यानी इंग्लिश तथा संस्कृत की पुस्तकों के पद्यानुवाद भी किए। पद्यानुवाद यानी दिए गए पद्य का दूसरी भाषा में परिवर्तन भी किया। वे प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्रकृति की सुंदरता, स्वदेश प्रेम तथा समाज यानी सोशल सुधार, समाज सुधार की भावनाओं के कवि हैं। तो आगे बढ़ते हैं विषय प्रवेश की ओर। भारत सुंदर देश है, भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट, अलग अलग धर्मावलंबियों, धर्मावलंबी यानी रिलीजियस, तो अलग अलग धर्मों का देश है। यहाँ की जनता में कर्मनिष्ठता यानी कर्म में आस्था रखने वाला या कर्मशील, तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं कर्म निष्ठता वाले हैं यानी कर्मशील हैं। लोगों में प्रेम और ममता की अपार यानी जिसका कोई अंत ना हो, लिमिटलेस दौलत है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा, प्राकृतिक यानी जो नेचर है उसकी शोभा यानी सुंदरता, ग्रेस, चमक या आभा, तो यहाँ की प्राकृतिक शोभा ने भारतवासियों, देशवासियों के हृदय यानी दिल में या दिल पर असीम छाप, असीम यानी जिसका कोई अंत ना हो, अमित या बेहद या लिमिटलेस या अनंत छाप डाली है। छाप यानी असर डाला है, प्रभाव या निशान डाला है। इस तरह भारत वंदनीय है, वंदनीय यानी जो पूजा करने के योग्य या फिर जिसके आगे झुक कर नमस्कार किया जाए उसे कहते हैं वंदनीय है। तो ये था विषय प्रवेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी कविता की ओर। तो ये पहली पंक्ति है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है यानी सुंदर लग रहा है। शुचि भाल पर हिमाचल, शुचि यानी शुद्ध पवित्र प्योर, भाल पर यानी माथे पर, हिमाचल यानी हिमालय पर्वत, चरणों पर यानी पैरों में जो है सिंधु अंचल स्थिर सागर, उर पर विशाल सरिता सित हीर हार चंचल, उर पर विशाल, विशाल यानी बड़ा, सरिता यानी नदी, सित हीर हार, सित यानी श्वेत उज्जवल, हार हार यानी हीरा एक रत्न, हीर हार चंचल, चंचल यानी अस्थिर या फुर्तीला, मणि बद्ध नील नभ, मणि यानी एक रत्न, बद्ध नील यानी नीला, नीले रंग का, नभ यानी आकाश का विस्तीर्ण पट यानी फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ, अचंचल यानी स्थिर एक जगह, सारा सुदृश्य वैभव मन को लुभा रहा है। सुदृश्य वैभव यानी ऐश्वर्य रूपी सुंदर दृश्य जो है मन को लुभा रहा है यानी मोहित कर रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में जो है कवि कहते हैं कि हमारा भारत कितना सुंदर दिख रहा है। भारत के पावन माथे पर जो हिमालय पर्वत सुंदर मुकुट यानी एक ताज सा सजा है, चरणों यानी पैरों में सिंधु सागर है, इसके विशाल यानी बड़े हृदय में खेलती शीतल यानी ठंडी श्वेत नदी यानी सफेद यानी स्वच्छ नदियां जो है मनोहर है, जो कि हीरो के हार यानी एक रत्न के हार यानी माला की तरह शोभित हो रही है। भारत के ऊपर आसमान नीले मणि एक रत्न की तरह जो है स्थिर फैला हुआ है। सारा सुंदर वैभव मन को ललचा रहा है अर्थात अपनी ओर आकर्षित यानी अट्रैक्ट कर रहा है। इन सब में भारत हमारा कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। उपवन सघन वनाली, सुखमा सदन सुखाली। उपवन यानी बगीचा, सघन यानी घना, वनाली यानी वन की
जो है पंक्ति, सुखमा सदन, सुखमा सदन यानी घर का सुख देने वाला, घर का सुख देने वाला यानी सुखमा सदन, सुखाली, सुखाली यानी सुख देने वाली। प्रावृत के सांद्र धन की शोभा निपट निराली, प्रावृत यानी वर्षा ऋतु या वर्षा, सांद्र, सांद्र का क्या अर्थ होता है, घना, घन यानी बादल, शोभा यानी सुंदरता, निराली, निराली यानी अलग, यूनिक। प्रावृत के सांद्र धन की शोभा निपट निराली, प्रावृत यानी वर्षा ऋतु या वर्षा, सांद्र, सांद्र का क्या अर्थ होता है, घना, घन यानी बादल, शोभा यानी सुंदरता, निराली, निराली यानी अलग, यूनिक। कमनीय दर्शनीय कृषि कर्म की प्रणाली, कमनीय यानी कामना करने योग्य या सुंदर, दर्शनीय यानी देखने लायक, कृषि कर्म यानी खेती का काम, प्रणाली यानी रीति विधा एक तरीका। सुरलोक की छटा को पृथ्वी पे ला रहा है, सुरलोक यानी देवलोक या फिर स्वर्ग, हेवन की छटा, छटा यानी सुंदरता को पृथ्वी पर, पृथ्वी यानी भूमि पर, पृथ्वी पर ला रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में जो है कवि कहते हैं कि भारत में बगीचे, घने वन राशि एवं पुष्पों की वाटिका यानी घर, इन सबको देखकर मन में खुश या खुशी या सुख जो है मिलता है। वर्षा ऋतु में घने वनों यानी जो जंगल है, वन है, उनकी शोभा और भी बढ़ जाती है, उनकी सुंदरता और अधिक हो जाती है। जब वर्षा यानी बारिश होती है तो अद्भुत यानी अलग दृश्य दिखता है। भारत में जो है खेती का काम भी देखने लायक होता है, देखने योग्य होता है, ऐसा लगता है कि स्वर्ग की सुंदरता को भूमि या पृथ्वी पर ला रहा है और भारत हमारा कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली पंक्ति की ओर। सुरलोक यहीं पर, सुख ओक यहीं पर, सुरलोक यानी देवलोक स्वर्ग यहीं पर, सुख लोक यानी सुखों का घर भी यहीं पर। स्वाभाविकी सुजनता यानी स्वाभाविकी यानी प्राकृतिक नेचर की सुजनता, सुजनता यानी सुशील लोग या सज्जनता, सज्जन लोग। गत शोक, गत शोक यानी बीता हुआ बुरा समय यहीं पर। शुचिता स्वधर्म जीवन बेरोक है यहीं पर, शुचिता यानी पवित्रता, प्योर पवित्र। स्वधर्म जीवन, स्वधर्म यानी अपना धर्म, स्वधर्म जीवन बेरोक, बेरोक यानी स्वतंत्र आजाद यहीं पर। भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव भी आ रहा है, भव मोक्ष यानी ऐसा मोक्ष जो भवसागर पार लगाता है या संसार से मुक्ति दिलाता है, तो भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी आ रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में जो है कवि कहते हैं कि भारत में स्वर्ग का सुख है, जो सुख स्वर्ग में है वही सुख जो है भारत देश में भी मिलता है, घर जैसा सुख भी यहीं पर है और प्राकृतिक सुंदरता एवं सुशील लोग भी, सज्जन लोग भी भारत में हैं। यहाँ सब लोगों के अपने अपने धर्म के अनुसार रहने की स्वतंत्रता यानी आजादी है, यहाँ धरती पर ही मोक्ष का अनुभव यानी मुक्ति का अनुभव भी होता है, भारत देश अत्यंत शोभनीय है, सुंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी पंक्ति की ओर। हे वंदनीय भारत अभिनंदनीय भारत, वंदनीय भारत यानी वंदना करने योग्य, सम्मान के योग्य, अभिनंदन यानी प्रशंसा अभिवादन करने योग्य भारत। हे न्याय बंधु
निर्भय निर्बंधनीय भारत, निर्भय न्याय बंधु यानी न्याय प्रिय, न्याय से प्रेम करने वाला, निर्भय यानी निडर जो डरता नहीं हो, निर्बंधनीय निर्बंधनीय यानी स्वतंत्र बंधन से मुक्त भारत, मम प्रेम पाणी पल्लव अवलंबनीय भारत, मम यानी मेरा, प्रेम पाणी यानी प्रेम पूर्ण हाथ, पल्लव यानी कोमल या कमनीय, अवलंबनीय यानी जो दूसरों को सहारा दे वैसा भारत, मेरा ममत्व सारा तुझ में समा रहा है, ममत्व यानी ममता अपनापन सारा तुझ में समा रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारा भारत वंदना करने के योग्य और प्रशंसनीय है। भारत में न्याय से प्रेम करने वाले और निर्भय यानी निडर एवं बंधन यानी स्वतंत्र बंधन मुक्त स्वतंत्र लोग रहते हैं। भारत देश के हर व्यक्ति में प्रेम की भावना यानी प्यार की भावना होती है। वे एक दूसरे को सहारा देते हैं यानी एक दूसरे की वे मदद करते हैं। हर व्यक्ति में ममता समाई हुई है। इसका सौंदर्य वैभव सबके मन को लुभा रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारी कविता समाप्त होती है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, नभ का पट कैसे दिख रहा था? तो नभ का पट विस्तृत यानी फैला हुआ स्थिर पट नील मणि यानी रत्न की आभा से युक्त नीला दिख रहा था। अगला प्रश्न, भारत सुंदर व सुहावना लगता है, इसके कारण बताइए। तो इसके क्या कारण है? तो भारत के मस्तक यानी माथे पर हिमालय पर्वत सुशोभित है और चरणों यानी पैरों में स्थिर समुद्र फैला है। उसके वक्ष स्थल पर जो है विशाल यानी बड़ा सा चंचल नदियां उज्जवल हीरो यानी जो रत्न है के हार यानी माला की भांति यानी की तरह सुशोभित हो रही है। घने वन उपवन और पावस ऋतु में घने मेघों की शोभा देखते ही बनती है। इसी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत सुंदर और सुहावना लग रहा होगा।